Hello everyone, it is the second lecture of atoms and molecules and today topic is Dalton Atomic Theory. It is given by Sir John Dalton in 1808. He is the father of modern atomic theory. Sir John Dalton ने कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर भी रिसर्च की थी, तो सबसे पहले हम उनकी लाइफ के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं, यानी सर जॉन डाल्टन के बारे में। तो सर जॉन डाल्टन का जो बर्थ था वो एक पुअर फैमिली में 1766 इन इंग्लैंड हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए टीचर की थी, वो भी 12 ईयर एज में, यानी 12 साल की उम्र में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी। आफ्टर 7 ईयर यानी 19 साल के थे जब वो, तो उन्होंने वर्क किया था एज ए प्रिंसिपल। उसके बाद 1796 एक दो बुक में 1793 भी लिखा होता है, उन्होंने मैनचेस्टर के अंदर एक कॉलेज के अंदर टीच किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उन्होंने अपना जो मैक्सिमम टाइम था वो टीचिंग और रिसर्चिंग वर्क के अंदर स्पेंड किया और सबसे जो मेन पॉइंट था उनका 1808 के अंदर उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने ये थ्योरी मैटर के बारे में दी थी, यानी एटम। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन थे जिन्होंने एटम शब्द यूज किया था और एटम का मेन क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल। तो सबसे पहले ये टर्म यूज की थी सर जॉन डाल्टन ने। नाउ अब हम स्टडी कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी जो थ्योरी डाल्टन ने दी थी मैटर के ऊपर वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो उसके कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं हम। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इट इज़ गिवन बाय जॉन डाल्टन 1808। और जो ये थ्योरी थी ये टोटली डिपेंड करती थी केमिकल कम्बिनेशन पे, यानी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम कुछ पोस्टुलेट कर लेते हैं इस थ्योरी की, या फिर आप बोल सकते हो कुछ फीचर या कुछ पॉइंट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कोई भी चीज़ कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसको हम एटम बोलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप, साइज, मास एंड ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज। यानी जो सभी एटम हैं एक एलिमेंट के वो क्या होंगे, सेम हो गए मास के अंदर, साइज के अंदर, शेप के अंदर या फिर प्रॉपर्टी के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का एक एटम और दूसरा एटम दोनों क्या होंगे, सेम हो गए, सेम मास होगा दोनों का, सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम शेप रहेगी उनकी। थर्ड पोस्टुलेट क्या होती है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कोई भी एटम है डिफरेंट एलिमेंट, लाइक ऑक्सीजन और दूसरा मान लेते हैं हम कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन का एटम क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बिल्कुल अलग होगी, शेप साइज क्या होगा, बिल्कुल अलग होता है। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल कम्बिनेशन। यानी एटम का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल H2 + O2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन देता है, H2O, यानी वाटर की फॉर्मेशन देगा। तो इसका मतलब क्या करता है भी एटम पहले ब्रेक होगा, यानी H2 पहले ब्रेक होगा H+H के अंदर, उसी तरह ऑक्सीजन ब्रेक होगा O+O के अंदर, फिर दोनों एटम कंबाइंड करेंगे और आपके पास वाटर की फॉर्मेशन आ जाती है वह, ठीक है ना। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट थी। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, यानी मोलिक्यूल्स। तो अगर हम डिफरेंट और सेम एटम को कंबाइंड करेंगे या एलिमेंट को कंबाइंड करेंगे तो आपके पास एक मोलिक्यूल प्रिपेयर हो जाता है या फिर कंपाउंड प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोजन H+H को कंबाइन किया तो H2, तो H2 क्या होता है, मोलिक्यूल। उसी तरह H2 + O2 H2O, ये भी क्या एक मोलिक्यूल, यानी सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम को अगर आप कंबाइंड करते हो तो आपके पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आ जाती है या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन आ जाती है। नाउ सिक्स पोस्टुलेट, व्हेन एटम कंबाइंड विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स और मॉलिक्यूल दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल C6H6, H2O, C4H8 एक्सेट्रा। तो यानी जैसे ही हम एटम को कंबाइंड करते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन आती है। जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड हो गए उसके अंदर जो एटम हो गए उन एटम की जो रेशियो होगी वो क्या होती है, सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। जैसे आपके पास वाटर है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन की रेशियो 2 होती है और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 1 होती है। तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होते हैं हमेशा। और फिफ्थ और लास्ट पोस्टुलेट क्या होती है, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। यानी हम एटम को ना तो ख़त्म कर सकते और ना ही हम उसको पैदा कर सकते, तो एटम को हम केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी 5 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ लिमिटेशन थी, तो सबसे पहले हम लिमिटेशन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी या ड्रॉबैक्स, इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द मासेस बट नॉट वॉल्यूम। यानी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसका जो बेस था वो केवल एक्सप्लेन कर पाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट वो वॉल्यूम लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी, लिमिटेशन ये थी। नेक्स्ट, इट फेल टू एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ डिफरेंट एटम आर डिफरेंट इन मास साइज एंड वैलेंसी। अब जैसे हमने ये तो स्टडी कर लिया था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो मास है या फिर शेप है या फिर साइज वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो ये मास अलग क्यों होगा, यानी ऑक्सीजन और कार्बन का मास अलग अलग क्यों होता है। थर्ड लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू वाई एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जैसे हम दो एटम्स सेम या फिर डिफरेंट को अगर कंबाइंड करेंगे तो आपके पास या तो मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन आती है, तो वो कैसे आती है और क्यों आती है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी। और फोर्थ लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। यानी जैसे ही एटम से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, वीक स्ट्रॉन्ग, या किस वजह से वो बॉन्डिंग आती है। और फिफ्थ और लास्ट लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट गिव ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी ये थ्योरी एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफ्रेंशिएट कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लानेशन नहीं दे पाई थी। तो ये थी कुछ लिमिटेशन ऑफ थ्योरी। तो नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जिसको दिया था जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील बोहर। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट कर लेते हैं इस थ्योरी के। कुछ बुक्स के अंदर इनको ड्रॉबैक्स बोला जाता है। किसकी ड्रॉबैक्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लेकिन मेन पॉइंट्स क्या हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के, देखो फिर। यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसके बेस पे तैयार की थी, ये तैयार की गई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर किया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटम इज़ नो लॉन्गर इंडिविजुअल। यानी देखो सबसे पहले हम कर लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, लेकिन इसमें क्या बोला गया, एटम इज नॉट लॉन्गर इंडिविजुअल। तो उन्होंने क्या बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो एटम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर लाई करते हैं। एटम के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड दी न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं हमें। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर सब पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, ऑल एटम ऑफ द एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि जो ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट मे बी सेम, या उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि जो एक एलिमेंट है उसके सभी एटम सेम हो गए, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। जैसे इस केस में आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 टाइप से मिलता है हमें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। यानी है तो हाइड्रोजन वो, लेकिन उसके 3 टाइप हैं। इस वजह से उसका मास, उसकी शेप और उसका साइज क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होता है भाई। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव द सेम एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या बोला था अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बोला जाता था कि डिफरेंट एलिमेंट का मास हमेशा डिफरेंट होगा, लेकिन कुछ केस ऐसे मिले जिस केस में मास क्या होता है, सेम है, जैसे आर्गन और पोटासियम के केस में। उसको बोला जाता है आइसोबार, यानी डिफरेंट एलिमेंट का भी मास सेम हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल कम्बिनेशन। तो ये सेम पोस्टुलेट थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की भी और इस एटॉमिक थ्योरी की भी, मॉडर्न की। उसके बाद फिफ्थ देखो, एटम मे नॉट बी ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। तो देखो सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला जाता है कि जो एटम है वो ऑलवेज कंबाइंड करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर। जैसे हमने एग्जांपल की थी वाटर की, H2O। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे केस हैं जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज। जैसे सुक्रोज, इसका फार्मूला क्या है, C12H22O11। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो तो नहीं है। इस वजह से सभी एटम, यानी जब हम एटम को कंबाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और वो एटम ज़रूरी नहीं कि सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलेंगे। तो 6 पोस्टुलेट क्या है या 6 पॉइंट क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। यानी जो एटम है वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सेम मास में कन्वर्ट होगा। यानी देखो, इन मैनी न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यानी जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपने रिएक्शन स्टडी की होगी। जैसे यूरेनियम है, अगर यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन को टकराते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ एनर्जी, जैसे क्या प्रोड्यूस होता है, क्रिप्टॉन, बैरियम और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसमें कुछ मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के, और ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।